हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज वीडियो में 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिबा फिजिकल साइंस रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु आपन को कहि रखुचि, तो फिजिकल साइंस रो डिटेल थ्योरी क्लास आम ऑलरेडी कंप्लीट कर सारछे। तो एबे आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करथले आपनकर जोटा कि आपनकर 2014-2021 जाय जेतिक भी बीड परीक्षा आपनकर हेछि, तो सबूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करते। तो आम 2018 जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिकल साइंस पेपर डिस्कसन करदेचु। तो जदि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखी ना, तो तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलीस्टर लिंक देदेवि, तो से आप डायरेक्टली देखिपर। तो जमीक फिजिकल साइंस आम कम्प्लीट करवा, तो देन आम मूव कर बायोलॉजिकल साइंस को। तो बायोलॉजिकल साइंस मुझे दुईटा थ्योरी क्लास प्रोवाइड कर सारी, तो तार लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवि। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु, और चैनल को जदि नुआ अच्छा चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, प्रत्येक क्लास रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा, क्वेश्चन नंबर 1 आपन पई देला, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स रो आपन को एसआई यूनिट पचार छी, तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर छी बहुत थरा। तो फोर्स रो एसआई यूनिट पचार छी माने आपन करबे पास्कल दे छी, बॉयल दे छी, न्यूटन दे छी, वाट दे छी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्कल कथा दि कहबा प्रेशर रो जानी जंती प्रेशर, देन बॉयल जानती नि बॉयल ता आपन रिलेट कर छी वन टाइप ऑफ टेंपरेचर। हम पढ़तिले गोटे थ्योरी क्लास रे बॉयल टेंपरेचर बोली, तो एटा रिलेट कर छी आपन टेंपरेचर को। न्यूटन कथा दि कहबा न्यूटन आपन रो फोर्स रो यूनिट, फोर्स रो यूनिट होची न्यूटन। तो पचार थिला फोर्स रो, तो न्यूटन हे जीवो करेक्ट आंसर। वाट कथा दि कहबा वाट किलोवाट, ये सब होचंत आपन रो पावर रो यूनिट, कार यूनिट पावर रो यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी हे जीवो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर। तो आपन कहि आ भितर केउटी गोटे, तो माने सब बैड थर्मल कंडक्टर बोली आपन पचार छी। एल्युमिनियम दे छी, कॉपर दे छी, आपन कर ग्लास दे छी, सिल्वर दे छी। तो थर्मल मीन्स कोन, थर्मल मीन्स होची आपनकर कोन ना हीट बोली कहि परबा, हीट कहि परबा। तो आ भितर किए सब आपंकर कौन ना हीट बा इलेक्ट्रिसिटी कही पार किए कंडक्ट करनी। तो आल्युमिनियम तो कर, कॉपर तो कर, कि ग्लास कर, ग्लास कर। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एबे ही कहले, तो न्यूटन कथा जी कह तो फोर्स करेंगे, आ वेबर दे पास्कल दे हेनरी दे। तो हेनरी देखूँ मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन वर्क देवी। तो आम अलरेडी डिस्कसन करते हेनरी कार यूनिट करते ना डिस्कसन, तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन वर्क रहा। तो यहाँ आप जहाँ भी कहीकि आमको जहाँ भी मत आप कमेंट सेक्शन में कहे, तो आम बहुत थर ये डिस्कसन करे। तो आर रईट आनसर हो पास्कल, प्रेसर पचार पास्कल हो। नेक्स्ट, तो आपला मीटर इन ए व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। तो सिंपल पचार मैंने आपंकर जो गाड़ी मोटर रे, तो आपंकर क्यों मीटर बसता है जोटा कि गाड़ी केते स्पीड रे चलु आपंकर कौन ना मैंने केते किलोमीटर डिस्टेंस गला, तो आपंकर कौन मापी थाए गाड़ी केते किलोमीटर डिस्टेंस अतिक्रम कला, तो मापी थाए किए, तो आपर गाड़ी बसता है ओडोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा, नेक्स्ट क्वेश्चन देला रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इज कॉल्ड। तो आपको बजार, तो आपको कही देखते कौन कहला ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस। जदि गोटे स्मूथ सरफेस रे लाइटा रिफ्लेक्ट कला, तो ऑफ दैट मिरर गोटे माने लाइक गोटे मिरर गोटे क्यों प्रकार मिरर जार कि स्मूथ सरफेस, तो तादर जदि आपंकर कौन है ना लाइटा रिफ्लेक्शन कला, तो आप क्यों प्रकार मिरर कह रेगुलर इरेगुलर ना आपंकर डिफ्यूज ना आपर फ्यूज। तो आम क्यों प्रकार मिरर कह रेगुलर मिरर कह प्रकार मिरर रेगुलर कह स्मूथ जदि है रेगुलर कह। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस रे यूनिट, तो ऑलरेडी आम थ्योरी क्लास रे डिस्कशन करछे, तो आपंकर रेजिस्टेंस रे यूनिट हो कौन ना फाराड सॉरी आप रेजिस्टेंस पचार तो रेजिस्टेंस ओम हो रेजिस्टेंस कौन हो ओम हो। तो फाराड कार यूनिट, तो फाराड आम डिस्कशन करछे कार यूनिट आप कहे फाराड, तो फाराड आपंकर कार यूनिट हो कैपेसिटेंस रो यूनिट हो कैपेसिटी बा कैपेसिटेंस रो यूनिट हम कौन ना फाराड हो। तो हेनरी कार यूनिट वेबर कार यूनिट, तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कहे। नेक्स्ट आपन दला, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग फॉलिंग बॉडीज। तो आपंकर देखो मुझे कही थ्योरी क्लास, तो आम न्यूटन कर फास्ट लॉ को दुईटा प्रकार कही था, गोटे आपको पचारे लॉ ऑफ इनर्सिया कौन कही था लॉ ऑफ इनर्सिया, आ गोटे कौन कही था ना लॉ ऑफ गैलीलियो। तो ये कौन पचार गैलीलियो लॉ, तो से कौन हो न्यूटन्स फास्ट लॉ। तो देखो ये आपको देखिए न्यूटन्स फास्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, आउ आप देखिए लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन कहले आप कौन बुझे, तो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन फास्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ।
तो ये आप राइट आंसर हो न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आभितर केमटि गोटे वेक्टर क्वांटिटी नुहे, तो वेक्टर क्वांटिटी किए नुहे, तो आपन देछि मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट टॉर्क, तो स्पीड गोटे वेक्टर क्वांटिटी की, तो स्पीड गोटे वेक्टर क्वांटिटी नुहे। नेक्स्ट तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को आम केमी मापी थाउ आप पचार मैग्नेटिक फील्ड केमी मापी थाउ, तो आम जानी मैग्नेटिक फील्ड को आम केमी आपची टेस्ला ओम कोबाल्ट एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट को आम मापी थाउ एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड को आम टेस्ला यूनिट में मापी थाउ। नेक्स्ट नेक्स्ट आप अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप, तो सूर्यंकर 70% आपणकर कौन अच्छे, तो आम पढ़ीजे सूर्यंकर आपणकर दुईटा प्रकार आपणकर गठित होती, गोटे है हाइड्रोजन गोटे है हीलियम, तो हाइड्रोजन कथ कह अबाउट आप 60-70%, तो मैक्सिमम कंटेंट आप 70% हूँ हाइड्रोजन सूर्य क्षेत्र में, हीलियम आ बाकी 30%, तो आपणकर हाइड्रोजन हो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो आपको कही गोटे प्रकार एनर्जी जोटा कि आमर कौन ना जोटा कि रिलीज कर था किए ना आप अर्थ रिलीज कर था, तो आप जिओ थर्माल एनर्जी बोली कही था, कौन कही था जिओ थर्माल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आप जो टीवी रिमोट रहा, तो टीवी रिमोट आपंकर क्यों प्रिंसिपल वर्क करता है, अल्ट्रासोनिक वेब लेजर टेक्नोलोजी ब्लूटूथ टेक्नोलोजी इनफ्रारेड वेब, तो आपर केमी वर्क करता है ना सी आपर इनफ्रारेड वेब मैंने आप टेक्नोलोजी वर्क करता है इनफ्रारेड वेब। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपको देला डैश मॉडिफाइड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिडक्टेड दैट द एब्सोल्यूट जीरो जीरो ऑफ टेम्परेचर इज -273.150°C ही हाज ऑनर्ड फॉर दिस विद द नेमिंग ऑफ केल्विन टेम्परेचर स्केल, तो आप सी जो डिराइव कले तो आपर आब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यूटा आब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैल्यूटा -273.15°C, तो से आपर अनर करागला कौन ना केल्विन टेम्परेचर स्केल से जो डिराइव कले, तो आप पचार किए मॉडिफाई करते मॉडिफाई किए करते पचार विलियम क्रुक्स रॉबर्ट हुक देन आपर विलियम थॉमसन देन आप किए लुईस आपणकर अल्वारेज, तो किए आपणकर करते, तो ये आपणकर हम डी ऑप्शन आपर रॉबर्ट हुकटा ये रही जाए जोटा ये आप डी ऑप्शन देती, तो देखते तो राइट आंसर कौन हम कहतु, तो सी आप किए ना विलियम थॉमसन, तो किए करते मॉडिफाइड विलियम थॉमसन। नेक्स्ट तो कॉन्वेक्स एंड कॉनके मिरर्स आर एग्जांपल ऑफ, तो आपर कॉन्वेक्स मिरर हो आउ कॉनके मिरर हो दी टाइप मिरर तो अच्छी, तो आपणकर जानते तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दुटा कहार गोटे प्रकार एग्जांपल, तो सी हूँ स्पेरिकल मिरर गोटे एग्जांपल। नेक्स्ट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्जर्टेड बाय फ्लुइड इज अल्सो कॉल्ड, तो फ्लुइड मानक द्वारा एक्जर्ट होता फ्रिक्शनल फोर्स को आम कौन कही था, तो फ्लुइड मानक द्वारा एक्जर्ट होता फ्रिक्शनल फोर्स को आम ड्राग बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर एक्जर्ट कर रिफ्लेक्शन को आम कौन बोली कही था, तो ताको कौन कही था ना लैटरल इनवर्सन बोली कही था, कौन कही था लैटरल इनवर्सन बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट देला इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ताको आपणकर कौन माने सेटा को आपणकर कौन कह जाए इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म मोशन, तो ताको आम कौन कही था, तो ताको आम कही था स्पीड बोली कही था, तो कौन कही था स्पीड बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट देला द डिस्टेंस आउ टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, तो इजे तो आपर जदि गोटे बॉडीटा आपर ऑब्जेक्टा गोटे कांस्टेंट स्पीड रे आपर मोशन कला देन डिस्टेंस आउ टाइम रो ग्राफटा कौन हम डॉट हम ना आपर सर्कल हम ना स्ट्रेट लाइन हम, तो जदि आप कांस्टेंट स्पीड रे आपर गति कला तो आप स्ट्रेट लाइन हम। नेक्स्ट तो एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, तो आपर गोटे स्क्रीन रे तो क्यों प्रकार इमेज आपर ऑब्टेन हम रियल वर्चुअल इनवर्टेड इरेक्ट, तो केमी इमेज आपर ऑब्टेन हम, तो राइट आंसर हो रियल इमेज। नेक्स्ट पॉइंट कांटेक्ट आपला कांटेक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर, तो आपर कांटेक्ट फोर्स को आम अदरवाइज कौन भी कही था कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन कही था मैग्नेटिक फोर्स कही था ना आपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कही था ना आपर मस्कुलर फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स को आम अदरवाइज फ्रिक्शन बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट आपला देखो यहाँ द फोर्स
ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज इफ। तो गोटे आपर फ्रिक्शनटा दुटा दुटा सरफेस भितर फ्रिक्शनटा केतले इनक्रीज कर सिंपल बजार ऑप्शन नंबर ए दे ए लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज केप्ट बिटवीन टू सरफेस द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर देन देला एयर गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द टू सरफेस देन आपला इरेगुलरिटीज ऑन बोथ द सरफेसेस आर रिमूव्ड। तो राइट आंसर कौन है राइट आंसर है द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। नेक्स्ट इफ द फोर्स एक्जर्टेड ऑन ए बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कौन हम जदि आप कौन ना आम फोर्स माने अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है तो आपर कौन हम स्पीडा तो स्पीडा माने आपर कौन डिक्रीज कर कौन हो डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एसआई यूनिट बुझाई तो एक्सेलरेशन जब कह वेलोसिटी पर टाइम तो माने टाइम पीरियड तो वेलोसिटी आपर कौन ना वेलोसिटी जानते आपंकर एम बाय एस मास पर आपंकर कौन ना मास पर टाइम आपरेंगे तो एम बाय एस देन आपणकर जो रहा वेलोसिटी गला तो आम एक्सेलरेशन कला वेलोसिटी बाय टाइम तो आप वेलोसिटी एटा एम बाय एस डिवाइडेड बाय एस तो हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो राइट आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आप कौन दे देखो आवरेज वेलोसिटी जोटा होकर यू प्लस भि वाय टू तो देन यूज तो आपको पचार जो फर्मुलार आम यू यूज यू भि दुटा आप रही तो भि कथा जी कह एटा हूँ आपर फाइनाल वेलोसिटी एटा कौन फाइनाल वेलोसिटी जदि भिटा फाइनाल वेलोसिटी है यूटा आप हम कौन इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट तो राइट आंसर है इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देला द साइड मिरर ऑफ व्हीकल आर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मिरर तो आपर व्हीकल मिररटा पचार तो सिंपल तो व्हीकल मिरर जब पचारा तो सीटा आप करेंगे कौन ना आपर हूँ ऑटोमोबाइल मिरर तो सीटा हम कन्वेक्स। नेक्स्ट इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 के जी देन व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून तो आप जदि गोटे आम आर्थ रे गोटे बॉडी रो ऑब्जेक्ट रो ता मास जदि 60 के जी है तो सेटा मून रे केते हो आप पचार तो मून रे तो आम ये जाचे जे मून रो ग्राविटी एक एक विभक्त छ ऑफ आर्थ मून रो ग्राविटी होची केते ना एक विभक्त छ ऑफ आर्थ आर्थ रो ग्राविटी तो आर्थ रो ग्राविटी रो एक विभक्त छ गुण जानचु ना नहीं तो ये आमको मास के ना मास आमको 60 देची तो आम जब देखा आपणकर माने आम मून रे जदि देखा तो मून रे के 60 जदि है तो देखो 60 जदि है आम के 60 है तो आम जानचु आम पृथ्वी रे जदि 60 मून रे के ना तार एक तो छ गुण तो छे काटे छः दस तो आम कह 10 के जी तो कितु आमको न्यूटन ने तो जदि न्यूटन दे तो आमको ये कौन बाहर करके पड़ो ना न्यूटन ने दे तो आमको ये ग्राविटेशनल आने को पड़ा ग्राविटेशन जदि आम देखा ग्राविटी होची 9/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एटा देन आम एवं कैलकुलेट कर कारण आम पाईगले कौन ना आम पाईगले आपंकर जोटा पाई आमको ये गिवेन अच्छी कौन ना मास गिवेन अच्छी तो मास आ ग्राविटी मिसाई देव आप न्यूटन वेट आस आप देखो तो 60 आपण कौन करेंगे ना सिंपल 60 रे आपण एबे मिसे दे गुणी देबे 9.8 तो 9.8 गुणी देले आपण रखे दे जीवा ना 588 न्यूटन आसीबो तो 588 न्यूटन को आमे जदि मून ने देखिबा तो मून ने आपण रखे दे जीवा ना 1/6 ऑफ अर्थ तो अर्थ रे जदि 588 देन मून ने हे जीवो एक तो एक वे तो 6 गुणी देबे तो एटा काटि देले आपण रह जीवो के ना 98 न्यूटन केते जीवो 98 न्यूटन दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपन देला ग्राविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम आट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो आपर पचार क्यों प्लेस रे ग्राविटेशनल फोर्स आपर मैक्सिमम क्यों प्लेस रे ग्राविटेशनल फोर्स आपर कौन ना मैक्सिमम बोली आपको पचार द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रे द पोल रे तो ग्राविटेशनल फोर्स होची एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आपन प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पचार तो सेटा होची पोल रे सबटु ग्राविटेशनल फोर्स मैक्सिमम देन नेक्स्ट देला द फेनोमेनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व रोड एबव द इनर एज टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स टू द व्हीकल टू टेक सेफ टर्न आर कॉल्ड आपणकर कौन ना आर कॉल्ड तो आपको कौन कहे ना कहुए बैंकिंग ऑफ रोड्स। नेक्स्ट देला देखु तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटी नॉट ए आपको कही कौन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटी तो आभर क्योंकि गोटे आपर गोटे क्वांटिटी नुहे तो आपर क्वांटिटी नुहे मीन से हम इलेक्ट्रिक करंट गोटे आपर वन टाइप ऑफ क्वांटिटी नुहे
नेक्स्ट देला व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिरेज इन डेजर्ट। तो सिंपल मिरेज पचार तो मिरेज पचार मैंने आपन कहे कौन ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो राइट आंसर हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट देला बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट आपर कौन पर तो डायरेक्ट मन रखिए ये बेंडिंग ऑफ लाइट दी मैंने डिफ्रैक्शन हम कौन हम डिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आ भितर केउटी गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे प्रॉपर्टी नुहे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे गोटे प्रॉपर्टी नुहे कौन ना देखो ये ठीक देखिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा कि दुटा को आपर परपेंडिकुलर थाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे गुड़ा आप ट्रांसपोर्ट वेव। तो आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। तो ऑप्शन एटा होटा आपर गोटे प्रॉपर्टी नुहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ गोटे आपर प्रॉपर्टी नुहे ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम व्हिच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो आपको आपर क्यों लॉटा सपोर्ट करे तो आपको आपर न्यूटन्स थर्ड लॉ सपोर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट बजार तो फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट कौन हो ना हर्ज हो। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर जनरली यूज डेट तो कॉन्वेक्स मिरर बजार तो ये ही डिस्कशन कले तो कॉन्वेक्स मिरर हो रियर व्यू मिरर। नेक्स्ट पॉइंट देला स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। तो केउठी आपनर स्पीड लाइट रो स्पीड मैक्सिमम तो लाइट रो स्पीड आपनर वैक्यूम रे मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिट टा कोन पछि एसआई यूनिट तो सिंपल अछि एम्पियर। नेक्स्ट पॉइंट तो सोप बबल्स आर टेन स्पेरिकल शेप सिंपल स्पेरिकल शेप ऑफ वाटर कोन पई ना आपनकर सरफेस टेंशन पई। तो ऑप्शन नंबर सी हे जइबो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला नेक्स्ट तो व्हाट डज वाटर टैंक अपीयर सालोर व्वेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। तो वाटर टा आपर कौन पाई वाटर टैंक अपीयर सालोर व्वेन व्यूड फ्रॉम द टॉप तो सेटा देखा जाए ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच कलर इज फॉर्म्ड व्वेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स। जितने रेड कलर आ ग्रीन कलर को मिसाई दवा से येलो कलर फॉर्मेशन हम। नेक्स्ट पॉइंट आट व्हिच प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो आपर क्यों प्लेस रे गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट टा सब अधिका थाए तो सी हूँ पोल रे सब अधिका थाए पोल रे सब अधिका थाए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स गैस एनर्जी टू मेकानिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर आपर क्यों एनर्जी रू क्यों एनर्जी को कन्वर्ट होता है तो सिंपल सी आपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर टा आपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना रे वर्क करे। नेक्स्ट पॉइंट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए पिच ऑफ ए साउंड। तो आ भितर क्यों गोटे साउंड पिच बोली पचार तो साउंड पिच हो फ्रिक्वेन्सी। नेक्स्ट व्हिच फेनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो क्यों फेनोमेना आपर कही पार्टिकल नेचर तो पार्टिकल नेचर आपर कही किए ना आपर फोटो सॉरी हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कही पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट व्हिच कलर इज फॉर्म्ड व्वेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्सड। जितने ब्लू आ ग्रीन कलर मिसीजी से आपर क्यों कलर फॉर्मेशन हम तो से आपर सियान कलर फॉर्मेशन हम। नेक्स्ट तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड इंटेंसिटी पचार सिंपल अच्छी डेसिबेल हो करेक्ट। देखो कौ ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे ही अच्छी। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु नेक्स्ट पॉइंट देला व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। तो तार कौन ना तार आपर एनर्जी कांस्टेंट रहे तार कौन कांस्टेंट रहे एनर्जी कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी एसआई यूनिट पचार हीट एनर्जी तो देखिए जूल न्यूटन देन आप कैलोरी। तो आपर हीट एसआई यूनिट पचार मैंने आपर कौन करेंगे ना जूल करेंगे तो ऑप्शन ए हो करेक्ट। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखो आम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कले तो आ गए नेक्स्ट भिडियो आम डिस्कशन करा आउ इंपोर्टेंट 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आशा करूँ भिडियो आपको भल लगे जब भिडियो भल लगी भिडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे सांगसाथी सहित सेयार करेंगे आउ चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे आसते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई। आउ फ्रेंड्स पीडीएफ फाइल पाइबा चाहते आप जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम चैनल तो तार लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती। सो थैंक यू।